सरकार है ग्रेट मिस्टर नेहरू, तो पूरे इंडिया में दो ही चाचा फेमस है, नेहरू जी और दूसरे मिर्जापुर वाले। नेहरू जी से बात मिली है, मिर्जापुर वाले से हम आज बस स्टैंड में या मेट्रो में मिलेंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि आपने अभी शॉर्ट देख ही लिया होगा, तो मैं अभी जा रहा हूँ नेहरू प्लैनेटेरियम में और ये मेरे घर के नियर बाय है। सो बाय वॉक मैं अभी जा रहा हूँ वहाँ पे, और जिसको जिसका घर दूर होगा वो आएगा नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, उसके लिए पड़ेगा लोक कल्याण मार्ग और सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो आगे जाके मैं अभी जब मैं पहुँचूँगा तो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे टिकट फेयर कितना लगेगा और टाइमिंग्स क्या है शो की। नेहरू प्लैनेटेरियम में जाने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। पहले जो नेहरू प्लैनेटेरियम था वो किसी ब्रिटिश लोगों का एम्बेसडर का घर था, फिर बाद में आफ्टर फ्रीडम वो फर्स्ट हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी का घर था। उनकी डेथ के बाद फिर उसे म्यूज़ियम बना दिया गया, और जो उनके कुछ प्रोजेक्शन थे अबाउट स्पेस, तो इस वजह से नेहरू तारामंडल भी बनाया गया, तो वो सारी चीज़ें भी एक्सप्लोर करेंगे। तो फाइनली मैं भी अंदर आ चुका हूँ और अब जा रहा हूँ मैं टिकट लेने। और उससे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब आप इंटर करोगे तो आपकी आपको एक आईडी कैरी करना है अपने साथ, और आपके बैग्स चेक होंगे यहाँ पे। तो एक छोटा सा सरप्राइज, मनीष जी भी आ चुके हैं यहाँ पे। तो कैसे हैं आप सर? बढ़िया सर, लेकिन आपके लिए लीजिए ये केबल वाला बैग, पकड़िए और जल्दी से केबल वाला बन जाइए। और अभी मनीष जा रहे हैं यहाँ से टिकट लेने। जब मनीष टिकट लेकर आ, तब तक मनीष टिकट लेने गया है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। सो टोटल 5 नेहरू प्लैनेटेरियम है जो कि डिफरेंट स्टेट्स में इंडिया के। जो पहला है वो तो दिल्ली में, दूसरा है बॉम्बे में जिसे बोलते हैं मुंबई, तीसरा है बैंगलोर, चौथा है पुणे में, और पाँचवा है आपका इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश। शो टाइमिंग्स हैं यहाँ की, 4 टाइमिंग्स में होता है यहाँ पे शो। जो पहला शो होगा वो 11:30 इंग्लिश में होगा, सेकेंड शो होगा 1:30 जो हिंदी में, और थर्ड होगा 3:00 जो कि इंग्लिश में, और एक फोर्थ शो होता है लास्ट में जो हिंदी में होगा। तो 4 टाइमिंग्स होती है, तो आप इस 4 टाइमिंग से पहले आ जाना टिकट बुक करने, आधा घंटे पहले यहाँ पे टिकट बुकिंग होती है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ, आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो बुक माई शो से। मैं आपको दिखाता हूँ इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, उसका एक डमी है, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो। फाइनली अभी हम इंटर कर चुके हैं और अब जा रहे हैं हम शो देखने। हमारे शो का टाइमिंग है 3 बजे का, तो अभी शो देखते हैं फिर मैं आपको रिव्यू बताता हूँ। एक्चुअली हम अंदर वीडियो शूट अलाउड नहीं है वहाँ पे। लाइन में लग जाओ भाई, यहीं लगेगी वैक्सीन, बूस्टर डोज आपको यहीं लगेगा। क्या कह रहा है मनीष थोड़ी देर में शो स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे बताएंगे अबाउट एस्ट्रोनॉट और सोलर सिस्टम के बारे में। और आपकी कोई टिप्पणी? भाई मेरे वैसे नक्षत्र खराब चल रहे हैं, तू और दिखवा ले। उठ जा, शो खत्म हो गया। आ गए बाबा दर्द में? अर्थ पे आ गए भाई, चलो। शो अभी खत्म हो चुका है और 80 रुपीज में यार पैसा वसूल है यार। और मनीष आप क्या कह रहे थे? बोला तो नारायण दिखाने के लिए था, दिखाते ये नक्षत्र हमने, लेकिन पैसा वसूल है भाई गाइस 80 रुपीज में। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन सुनने में मजा आया। हाँ, लेकिन ठंडी हवा ऊपर से, फुली AC है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठ के देख सकते हो, सीट्स भी काफी कम्फर्टेबल है यहाँ की। सो ओवरऑल 80 रुपए के मोमोज खा लेते हैं यार, इससे बढ़िया है यहाँ पे आके शो देख लो, 80 रुपए में बढ़िया शो है। शो तो अभी देख चुके हैं, अब हम करेंगे थोड़ा सा म्यूजियम यहाँ का एक्सप्लोर। द नाइट इज डार्क, आजा मनीष। व्हाई द नाइट इज डार्क? भाई हिंदी में बोल ले यार। भाई 3 बजे का शो लिया है, हिंदी शो वाला। अच्छा अच्छा, इंग्लिश तभी पढ़ रहे हो क्या?
यार भाई डेढ़ बजे वाला लेते तो पढ़ते ना। अच्छा, तो इसमें कुछ लिखा है कि वाई द नाइट इज डार्क, तो आप जब आओगे तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इंस्ट्रूमेंट दैट चेंज द वर्ल्ड। सो ये ताऊजी थे जिन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया और इनका नाम था गैलीलियो, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो दिखाता हूँ एशियन एंड मेडिवल इंडियन एस्ट्रोनॉमी। सो ये एक छोटा सा स्कल्पचर है जंतर मंतर का, और इसे बनाया था महाराजा जय सिंह ने, जो कि अजमेर के राजा थे। और यहाँ पे क्या होता है मनीष? अच्छा, और ये जगह भी है यहाँ पे धरने भी होते हैं बहुत सारे केजरीवाल के। तो दिस इज कैलेंडर ऑफ इवेंट्स ऑफ अ मून। तो इसमें क्या बता रहे मनीष? जो हर महीने पर डे का जो पर डे को कितना कितना दिखेगा, जैसे आज 10 तारीख है तो आज 10 अप्रैल तो कितना दिखेगा एक ही बात वाला। तो उसमें ये कैलेंडर ऐसा है कि जैसा जिस डे और मंथ में ये बताएगा कि मून आपको कैसा दिखाई देगा, तो उसमें सारी चीजें दिखा रखी है। ये क्या चीज है यार? सरदार मिस्टर नेहरू। तो पूरे इंडिया में दो ही चाचा फेमस है, नेहरू जी और दूसरे मिर्जापुर वाले। नेहरू जी से तो आज मिली है, मिर्जापुर वाले से हम आज बस स्टैंड में या मेट्रो में देंगे। सो ये नेहरू व्यू ऑफ द कॉस्मोस है। ये यहाँ पे कुछ लेटर्स भी है नेहरू जी के, और इनकी मूर्ति हो गई, और इनने जो जो काम किए यहाँ पे अबाउट बिल्डिंग दिस नेहरू प्लेनेटेरियम के बारे में, इनका जो प्रोजेक्शन था वो सारी चीजें इसमें दिखा रखी है। दिखाता हूँ इंडियन एक्सप्लोरर्स ऑफ स्पेस। सो ये है कल्पना चावला, और मिड में है राकेश शर्मा, थर्ड में कौन है मनीष? सुनीता विलियम्स। नासा वाले बड़े खतरनाक। चांद पे सबसे जाने पहले जाने वाला बंदा कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा कौन है? ये मैटर नहीं करता। बच्चों के आर्ट्स भी है, देख सकते हो आप, जैसे कि बड़े मस्त मस्त ड्राइंग बना रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। सो गाइज, ये वही हेमिस्फीयर है जिसके अंदर जो शो चलता है, इसी के अंदर ही चलता है जो भी शो वो है। तो हमने देख चुके हैं अभी, हमने सोचा था कि हम नेहरू जी का लाइब्रेरी और म्यूजियम भी देखेंगे, लेकिन किसी रीजन से बंद कर रखा है। सो हमने शो तो सारा कवर कर लिया है। तो आप बताना आपका रिव्यू क्या है, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। और तब तक मिलते हैं किसी दूसरे ब्लॉग में। सो ओके, बाय बाय।